14 फरवरी और वैलेंटाइन्स डे के दिन है और कोई नहीं तो ये अंकल मेरे पीछे लटक गए। यू मुस्लिम? ओके। यू ड्रिंक? यू ड्रिंक? यू ईट पोक आल्सो? बीयर आई ड्रिंक। यू ड्रिंक बीयर? गुड। हराम इस्लाम हराम। ओके बीयर। ओके पोशी माय नेम एंड द सी। ओके ओके ऑल आर सो फॉर यू आर टर्किश दैट You are pretty and dandy for that boys are passionately in love with you as you are good hearted you will remain your desire Andre वेलकम एवरी वन। तो तैयार हूँ मैं अपने बैग के साथ और कर लिया है मैंने चेकआउट गाजियन टेप से क्योंकि यहाँ पे इससे ज़्यादा घूमने लायक और कुछ था नहीं। सिर्फ मॉस्क वगैरह ही थी और म्यूज़ियम्स थे जो मुझे घूमने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी है मेरी फ़्लाइट कुछ 4 बजे की और अभी बज रहे हैं 12:30। तो मुझे जाना है एयरपोर्ट क्योंकि मैं जा रही हूँ अंटालिया। इनके एक और दूसरे बहुत से टूरिस्टिक सिटी में अब जाके देखती हूँ कैसा है। अब तक का तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसा ऐसा रहा है। अभी जाके देखती हूँ मे बी अंटालिया मुझे शॉक कर दे। पहुंच चुकी हूं मैं बस स्टॉप और पूरे 2 घंटे पहले पहुंच गई हूं। तो बताती हूं क्या हुआ। ये बस स्टॉप मेरे होटल से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था लेकिन अगेन लोगों से पूछ पूछ के कोई मुझे लेफ़्ट बोल रहा है कोई मुझे राइट बोल रहा है कोई मुझे इधर बोल रहा है कोई मुझे उधर बोल रहा है। इस चक्कर में मैं बहुत लेट हो गई और ये देखो अब बस आ गई है। पूरे 1.5 घंटे वेट किया है मैंने। लेकिन यहाँ का सीन कुछ ऐसा है कि एयरपोर्ट रूट के लिए जो बस जाती है वो आप 2 ही जगह से ले सकते हो। एक तो इनके ये बस स्टॉप से और दूसरा नोवोटेल होटल से आपको बस मिलती है जो कि फ़्लाइट के टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही बस इनकी चलती है। अगर फ़्लाइट इनकी मोस्टली क्योंकि ये स्मॉल टाउन है तो लिमिटेड फ़्लाइट्स ही यहाँ से फ़्लाई करती हैं तो जो भी फ़्लाइट का टाइमिंग होता है उसके 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले ही बस यहाँ से निकलती है जो कि 20 किलोमीटर है यहाँ से कुछ एयरपोर्ट। तो लकीली मुझे ये बात पहले पता नहीं थी बट यहाँ पे आने के बाद पता चली। अगर ये बस मेरी मिस हो जाती ना तो फिर मुझे टैक्सी लेनी पड़ती जो कि मुझे बस से सॉरी फ्लाइट से भी ज़्यादा महंगी पड़ जाती। तो भाई ऐसा सीन है यहाँ पे मतलब आम जगहों की तरह नहीं है कि कभी भी आप बस लेके एयरपोर्ट पहुँच जाओ। और ये देखो आप ट्रैन के रूट्स हैं रोड पर जो कि कितने प्यारे लग रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ऐसे ग्रीनरी लगा दिया है ना तो मतलब एक लुक भी आ रहा है और एक बहुत ही प्यारा सा व्यू है यार मज़ा आ रही है देख के ऐसे। तो कुछ शार्प 30 मिनट में बस ने पहुंचा दिया मुझे एयरपोर्ट और कुछ 20 किलोमीटर की जर्नी थी। और ये देखो अब एयरपोर्ट कितना खाली है यार। यही तो चीज़ें ना कुछ चीज़ें फॉरेन में ना बहुत इजी होती हैं क्योंकि इतना क्राउड नहीं होता ना। मतलब 10 मिनट के अंदर आपका सिक्योरिटी चेकिंग बोर्डिंग सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। अब पूरे 1.5 घंटे मेरे पास करने को कुछ नहीं है चुपचाप से ऐसी बैठी रहूँगी लेकिन ये अच्छी बात है ऐसा ही चाहिए होता है। और ये रहा मेरा बोर्डिंग और ये रहा कुछ बाहर का व्यू गाजियान्टेप एयरपोर्ट का जो कि एकदम ही खाली है एकदम ही खाली यार। अपने यहाँ पे ना डोमेस्टिक ना इंटरनेशनल कोई भी इतना खाली तो नहीं मिलता। बस के लिए मैंने कुछ पे किया 90 लीरा और एयरपोर्ट पे तो इतनी महंगी चीज़ें हैं इतनी महंगी मतलब अगर खाने की चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ 800 लीरा से स्टार्टिंग है 800 मतलब आप इमेजिन कर लो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। तो फ़्लाइट पूरे 1 घंटे लेट हो गई है और ये सेकेंड टाइम इस्तांबुल मतलब टर्की की फ़्लाइट लेट हुई है। जब मैं अबू धाबी से आ रही थी तभी भी 1.25 घंटे मेरी फ़्लाइट लेट थी और तब मेरे लिए काफ़ी फ़ायदे का था बट अभी भी ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन मैंने बस ना लेके फ़्लाइट इसलिए ली ताकि मैं जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ। 900 समथिंग किलोमीटर था गाजियान्टेप से अंटालिया और जिसके लिए बस की टिकट आ रही थी कुछ 2200 की और फ़्लाइट मुझे आई है 4000 की। तो मैंने सोचा चलो इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं है और क्योंकि मैं फिर से वो लंबी पूरी 1 दिन की जर्नी बस में करने के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी गाजियान्टेप भी बस से आई इस्तांबुल से कापाडोकिया भी मैं बस से आई। ट्रेन होना तो आराम से इंसान सोता हुआ चला जाता है। अब स्लीपर बस तो सिर्फ इंडिया में होती है बाहर तो होती नहीं है। बैठ बैठ के यार 13-15 घंटे की जर्नी कोई बात नहीं अभी 1 घंटे पूरे पूरे हो गए हैं
और अभी बोर्डिंग स्टार्ट हुआ है वो भी जाके बोर्डिंग कर लेते हैं। कभी कभी ना मैं कुछ बातें सोचकर हैरान हो जाती हूँ। दुनिया के चाहे आप किसी भी कंट्री में जाओ, लोगों को फ्लाइट से उतरने की जितनी जल्दी होती है ना उतनी फ्लाइट में घुसने की भी होती है। मतलब यार 1.5 घंटे से लोग लाइन लगा के खड़े थे, 2 ये जानने के बाद फ्लाइट डिले हो चुकी है, वो लाइन से हिले नहीं, टस के मस नहीं हुए। तो खैर मेरी ये फ्लाइट है सन एक्सप्रेस की, जो कि अगेन एक बजट एयरलाइंस है, तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ मैं कि बहुत ऐसी होगी वैसी होगी। आप लोग भी देखो सेम लाइक इंडिगो है, और पहुँच गई मैं एंटालिया, और एयरपोर्ट देखो यार अगेन बहुत ही खाली एयरपोर्ट है। तो एंटालिया तो पहुंच गई हूँ मैं, और पूरी आधे घंटे के बाद लगे जाया है यार, लेकिन अभी तक मैंने होटल बुक नहीं किया है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। एक तो वाईफाई भी ना यहाँ कनेक्ट करने के लिए हर जगह आपको लोकल नंबर मांगता है, अब लोकल नंबर तो मैंने लिया ही नहीं है। किसी स्टाफ से पूछ के देखती हूँ अगर वो कनेक्ट कर दे तो, क्योंकि जब तक मेरे पास होटल नहीं है मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। तो इसलिए पहले होटल बुक करना बहुत ज़रूरी है। और इतना छोटा एयरपोर्ट यार ये उम्मीद नहीं थी। एंटालिया मतलब इनकी बड़ी सिटी है, इस्तांबुल एंटालिया यही इनकी मोस्ट टूरिस्टिक सिटी है, और सिर्फ तीन बेल्ट है ये पूरे एयरपोर्ट पे आप देखो। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँची इतनी गंदी बारिश हो रही है, इतनी गंदी बारिश, इवन 2 दिनों से बहुत ही गंदी बारिश हो रही है, और इवन की फ्लड का भी कुछ सीन है। तो न्यूज़ वगैरह मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा गंदी बारिश है। तो आज तो मैंने पूरे दिन मैंने सोचा मैं निकल ही नहीं पाऊँगी क्योंकि पूरे टाइम बारिश हो रही थी, बट अभी कुछ जाके 5 बजे हैं और अभी बारिश रुकी है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा आसपास में ही कुछ एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं भाई एंटालिया कैसा है, क्योंकि वैसे तो काफ़ी पार्टी वाइब है एंटालिया में, ये तो अभी बाहर निकलने के बाद पता चलेगा। तो अगेन जो होटल मैंने लिया है वो काफ़ी सिटी सेंटर एरिया में है, और बाहर निकलते ही बहुत चहल पहल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बारिश में इतने गंदे मौसम में भी इतना अच्छा होगा बाहर चहल पहल। जो भी एंटालिया की टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो सारे ऑलमोस्ट इसी एरिया में है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज में। और ये देखो आप बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब तरह तरह के रेस्टोरेंट्स मैंने देखे यहाँ पे, मतलब कंट्री कंट्री के इंडियन रेस्टोरेंट भी मैंने 2 रेस्टोरेंट देखे, और बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बहुत ही हैपनिंग जगह है, मतलब आप शॉपिंग भी करो इधर बैठो भी और अट्रैक्शंस भी देखो। तो पहली बार कुछ सस्ता दिखा मुझे तो एंटालिया, तो अभी तक मुझे लग रहा है काफ़ी सस्ता होगा। ये देखो आप ऐसे हैं जूसेस के प्राइजेस यहाँ पे, जो कि इस्तांबुल में नामुमकिन है इस प्राइस में कुछ भी ले पाना। तो मैंने अभी लिया है कैरेट जूस। तो आज है कुछ 14 फरवरी और वैलेंटाइंस डे का दिन है, और कोई नहीं तो ये अंकल मेरे पीछे लटक गए। मैं चले जा रही हूँ, ये खुद ही मेरे पीछे पीछे आए जा रहे हैं। मैंने इनसे ना कुछ भी मतलब कुछ भी ये नहीं किया, बात नहीं की, फिर भी ये मेरे पीछे आए जा रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज श्रेजर। Rezibs. Yes. Very unique name. Yeah. And you are from Antalya? Yes. Are you Muslim? Yeah. Okay. You drink? Yeah. You drink? Yeah. You eat pork also? Beer, I drink. You drink beer? Yeah. Good. Yeah. But haram. Islam, haram. Yeah. Yeah. Same Islam? No, I'm Hindu. Hindu. Northeast. तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये हाड्रियन कैपसी है। इसकी कुछ डिटेल्स है और कुछ हिस्ट्री है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हम लोग अंदर से जाके एक लुक ले लेते हैं। तो इसे बनाया गया है कुछ 130वें साल में रोमन एम्परर के द्वारा, जो कि जिनका नाम था हैड्रियन, और उनके नाम पे इस जगह का भी नाम रखा गया है। ये मतलब एक ही गेट है जो मॉडर्न टर्की को ओल्ड सिटी से जोड़ती है। तो ये देखो आप, इतनी गंदी बारिश हुई कि आप देखो यहाँ पे कितना कितना पानी भर गया है यार।
एक चीज़ तो मुझे वाकई में इन लोगों की बहुत अच्छी लगी, टर्किश गवर्नमेंट की, इन लोगों की, कि इन लोगों ने इस जगह को फ्री छोड़ दिया, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत जगह है। ये लोग चाहते तो इसे चार्जेबल कर सकते थे, म्यूज़ियम में तब्दील कर सकते थे। ये देखो आप, टूरिस्ट की इधर बाढ़ आई हुई है और हर कोई पिक्चर सेशन कर रहा है, और वाकई में ये जगह एकदम देखने लायक है। मतलब अंटालिया में अगर आप आते हो तो ये जगह मिस करने लायक नहीं है, मस्ट विज़िट है। बहुत ही अच्छी लगी मुझे, एकदम ट्रेडिशनल फीलिंग भी आ रही है और मॉडर्न भी आ रही है। और इधर काफ़ी सारे होटल्स भी हैं, मतलब आप अगर इधर आते हो और आपको ये जगह बहुत पसंद आती है तो आप इधर रुक भी सकते हो। और पार्टी प्लेस का हब है ये, मतलब रात को आपको, अगर आप पार्टी लवर हो तो ये जगह तो आपके लिए ही है। आप इधर ही होटल बुक करो अगर आप आते हो अंटालिया। मैं तो आई भी इतने खास दिन पे हूँ, मतलब आज है प्रेमियों का दिन, आज है 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। तो वैसे भी यहाँ पर बहुत रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, मतलब बहुत कपल्स हैं और जगह जगह बुके लेके और रेड ड्रेस और ब्लैक ड्रेस के कॉम्बिनेशन में कपल्स इतने दिख रहे हैं, तो बहुत ही हैपनिंग है। शाम को तो और भी ज़्यादा हैपनिंग हो जाएगा। If you are pretty and dandy, for that boys are passionately in love with you, as you are good hearted, you will remain your desire. Andre. What is this? This is. Oda fortune thala, fortune. No, this is Valentine's special award. Fortune oda guluk. Guluk. You will have good news and be very happy very soon. You succeed everything you attempt. If you acquire wealth, you will get it even if it is a bit delayed. Sorry. Good ma. Nini, here. Alex, Nini. I don't want. 1 minute. Alex, English, one. Sorry, here, one. No, I don't want. Yeah, okay. Sorry, 1 minute. Okay. Three. Fortune, my name and the sea. Fortune. Okay. Here. Okay. Fortune. My name and okay. The sea. Okay. Fortune. You are Turkish. Turkish. Other fortune money Turkish lira. Other fortune Turkish money lira. Right now I have dollar only. I came today only Antalya, so I need to first exchange, and then I was just roaming, just kept my bag at hotel, yeah. And I just came to see where is the good exchange. Yeah, so I'll come again. Okay, don't worry. Yeah, okay. Thank you. I'm here for 5 days. अभी तो पोपट होने ही वाला था, जैसे तैसे जान बचाई है मैंने, बट टूरिस्ट प्लेसेस पर ये चीज़ें तो होंगी, और अभी मैं इतनी नई तो हूँ नहीं कि ये चीज़ें मैं समझ ना पाऊँ, और मैं लिटरली ऐसे भाग रही थी, बट वो अरे एक सेकंड, मैंने सोचा मैं कुछ खरीदूंगी भी नहीं, कुछ खाने का होगा तो खाऊंगी भी नहीं, बट बंदे ने तो पता नहीं क्या क्या चिट पकड़ा दिया, उसका क्या क्या मतलब है, चिट से क्या होता है वो सब तो पता नहीं मुझे। लेन आप देखो कैफ़े से भरी हुई है, और कैफ़े तो यार मस्त है, रात को पार्टीज तो बड़ी अच्छी होती होगी। जैसा कि ये कैफ़े देखो आप, कितना ऐसा ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल का, और अंदर स्विमिंग पूल वगैरह है, पूल पार्टी होती होगी। अंटालिया तो बहुत पसंद आया यार, वाइब है इस शहर में, बड़ी मज़ा आ रही है मुझे। मतलब ये फर्स्ट इम्प्रेशन जब मैं रात को आई थी, काफ़ी साइलेंट था, ये सारा मार्केट बंद हो चुका था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा कि ऐसा होगा, लेकिन बहुत ही मज़ेदार वाइब है इस शहर की। और जो इन्होंने इंटीरियर कर रखा है ऐसा एकदम ट्रेडिशनल टर्किश स्टाइल, और चीज़ें बड़ी सस्ती है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सस्ती चीज़ें हो तो आप बहुत इन्जॉय कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, वरना तो देख देख के बस काम चलाना पड़ता है। तो आज मैं कुछ कुछ इनकी लोकल डिशेस भी टेस्ट करूँगी, जो कि मैंने बहुत सुना है टर्किश फूड के बारे में कि बहुत ही यमी होता है, तो आज हम लोग जायज़ा लेंगे।
तो यहाँ पे आपको ऐसे ओपन वाला ये सी फूड मार्केट भी मिल जाएगा, मार्केट नहीं मतलब ये सारे इधर रेस्टोरेंट्स हैं और सी फूड लवर्स के लिए यहाँ पे सारे ऐसे डिस्प्ले में लगे हुए हैं, आप सिलेक्ट करो सामने सामने आपको बना के मिलेगा। प्राइजेज एक बार देख लो भाई, बहुत ज़्यादा प्राइजेज हैं। इस्लामिक कंट्री होते हुए भी टर्की में आपको जगह जगह पेट्स दिखेंगे, मतलब जगह जगह आपको बिल्लियाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा दिखेंगी और कुत्ते भी बहुत ज़्यादा दिखेंगे। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे जो बच्चे पैदा नहीं करते और कुत्तों को बिल्लियों को डेली फीड करते हैं जैसे कि इंडिया में करते हैं और उन्हें अपना बच्चा मानते हैं। तो जैसे ही वो मार्केट ख़त्म होगा उसके बाद देखो यार आप क्या व्यू दिख रहा है, मतलब ये इनका बीच है, बीच तो नहीं मुझे रिवर टाइप का लग रहा है बट खैर जो भी है वो देखो आप क्या ही व्यू है, खतरनाक व्यू है यहाँ। ऐसे पूरा ये सर्कल सेल्फी पॉइंट आप बोल सकते हो ऐसे, और मस्त ही नज़ारा है ये देखो क्या मज़ेदार नज़ारा दिख रहा है। थोड़ा ऐसे जूम मारती हूँ मैं, आज का माहौल ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक है टर्की का, मुझे जगह जगह कपल्स दिख रहे हैं और मोस्टली लड़कियों के हाथ में बुके दिख रहा है, फ्लावर दिख रहा है और इसलिए आज नाइट का लुक तो बहुत ही खास होगा अंटालिया में, मतलब मैं बहुत ही राइट टाइम पे आई हूँ। बच्चे बच्चे जैसे कपल्स हैं और उनके हाथ में ऐसे बुके ले लेके मज़े से घूम रहे हैं। तो आप कितने सारे पेट्स आपको दिखेंगे, यहाँ पर देखो एक बिल्ली है, उधर देखो एक बिल्ली है और वो दोनों कपल आए हैं इन सबको फीड करने। इधर देखो ये कुत्ते हैं जो कि आपको नॉर्मली दुबई जैसी कंट्री में कहीं पे भी नहीं दिखेंगे क्योंकि कुत्ते वुत्ते मतलब चलता नहीं है ना यार। ये पूरा शहर काफ़ी हद तक एकदम टूरिस्टिक लग रहा है, मतलब जगह जगह कैफेज, लाइटिंग और जैसे गोवा में फील होता है हर जगह आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ टूरिज्म से ये शहर चल रहा है, तो इसमें भी फीलिंग्स तो ऐसी ही है। हर जगह इनके रोड पे ऐसे लाइटिंग शाइटिंग, बहुत सारे कैफे। और 2023 की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल जो टूरिस्ट आने की 2023 की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर 15 मिलियन टूरिस्ट ने विजिट किया वर्ल्ड वाइड। तो जैसे जैसे शाम हो रही है इस जगह का व्यू और ज़्यादा निखरता जा रहा है और मेरी नज़र एक कुछ खास चीज़ पे गई और जैसे ही मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी पता नहीं उन लोगों को कैसे पता चला और दोनों भी ये हंस के जोड़े अलग हो गए मतलब ये थोड़ा रोमांटिक हो रहे थे यार, वैलेंटाइंस डे पपी झप्पी कर रहे थे, खैर छोड़ो उन्हें हम तंग नहीं करते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ देखो आप रेस्टोरेंट्स में ऐसे टेबल चेयर पे आराम से ऐसे बिल्लियाँ बैठी रहती हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था स्टारबक्स में बैठी हुई थी और अभी देखो आप कोई नहीं भगाता विद फुल रिस्पेक्ट। और ये रहा एक प्यारा सा मॉस्क, कुछ मॉस्क जैसा था वो और मैंने सोचा कि मैं अंदर जाऊँ बट क्योंकि मैंने ऐसी ड्रेस पहनी है तो मुझे सोचा शायद कुछ अंदर कोई टोक ना दे। वैसे तो सबके लिए जाना अलाउड था बट आई गेस क्योंकि वहाँ पे लिख भी रखा था कि ये हमारा रिलीजियस प्लेस है और रिस्पेक्टफुली आप अंदर बिहेव करें तो मुझे डर लग गया कोई कुछ टोक दे, उससे अच्छा है कि वो चीज़ ना करें। ये रहा अंटालिया का बहुत ही ज़्यादा फेमस मार्केट ओल्ड बाज़ार, अगर कोई भी अंटालिया आता है इस जगह पे तो ज़रूर आता है। तो मैंने भी बहुत तारीफ़ सुनी, मतलब गूगल पे रीड किया तो मैंने भी सोचा चलो आके देखती हूँ लेकिन मैं बहुत लेट हो गई, बंद होने के टाइम पे आई हूँ, ऑलमोस्ट सारे भी शटर अभी गिर ही रहे हैं। लेकिन रेट्स ओ माय गॉड, ये सिर्फ देखने दिखाने के लिए अच्छा है लेकिन ऐसी कोई ख़ास चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आपके शहर में आपको या टर्की के दूसरे शहर में आपको ना मिले, बहुत ही ओवर प्राइज है, मे भी बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ेगी और कुछ भी इतना स्पेशल नहीं लगा मुझे। हाँ अगर आपको कुछ टर्किश लाइट्स वगैरह या कालीन वगैरह कारपेट्स वगैरह के लिए अगर आप बहुत शौक रखते हो
तो आप यहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज तो वही सारी चीज़ें हैं। मैं बोलूँगी अवॉइड ही करना बेटर है। आओ आप एक राउंड लो और चुपके से निकल जाओ। अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, क्योंकि इतना खाली है तो मतलब ऐसे सारे लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा है। चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं यार। अभी मैं एक स्वीट के शॉप पे आई हूँ और काफ़ी यमी 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 यहाँ पे दिख रहे हैं, बट एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन सा ऐसा लूँ जो ज़्यादा स्वीट ना हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ट्राई करना चाहिए, ये कुछ चीज़ रिलेटेड भी है, अच्छा लगेगा। सच बताऊँ तो इनके स्वीट्स है ना, मुझे खाने से थोड़ा डर लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा होता है ना। बट यार फिर भी अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ की लोकल चीज़ें तो टेस्ट करना बनता है। थोड़ा कम स्वीट डाल देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा होता है, पता है गाँव की शादियों में होता है ना कि सब्ज़ी को इतना ज़्यादा तीखा कर दो कि लोग एकदम कम लें। तो ये इतना ज़्यादा स्वीट है कि एक दो स्पून में ही आपके वो मीठे की क्रेविंग है ना वो हो जाएगी। तो कुछ ऐसा दिख रहा है ये अंदर से, और अभी इसका करते हैं मर्डर। लकीली ये ज़्यादा मीठा नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा है। इस डेजर्ट का नाम बताना तो मैं भूली गई, इसका नाम है खानदीवी, और ये कुछ आया 195 रुपीस में, मतलब 75 लीरा का आया। कुछ 9 बजने आए हैं और आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हो चुकी हैं और मैं वापस अपने होटल की ओर जा रही हूँ। और तभी देखो आप मेरी नज़र किस पे गई, मतलब यहाँ पे जूते चप्पल के ऐसे लग रहे हैं होलसेल में मार्केट है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, मतलब 40 लीरा, 100 लीरा, 50 लीरा में आप देखो कितने सारे स्लीपर शूज सारी चीजें मिल रही। तो ये मेरे पीछे आप रेस्टोरेंट देखो, यहाँ पे मैंने कल रात को जब मैं आई थी तो मैंने यहाँ पे खाया था, राइस था और कुछ वेजिटेबल था, मतलब पालक और आलू वगैरह मिक्स, बिल्कुल इंडियन स्टाइल का। और ये जबकि लोकल है तो मुझे घूम घूम के मैंने बहुत जगहों पे चीज़ें पूछी, बट वही सारे ब्रेड चीज़ एंड ऑल, जो कि मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने सोचा वापस से यहीं पर खा लेती हूँ, क्योंकि राइस ना जब मैं ऐसी कंट्रीज़ में घूमती हूँ ना, लाइक रशिया हो गया या यहाँ हो गया, मैं राइस को बहुत ज़्यादा मिस करने लगती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ ब्रेड 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 खा के ना मुझे बहुत हैवी हो जाता है। तो अभी जाके मैं वापस वही खाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये आ चुका है मेरा राइस, और ये देखो आप कुछ ब्राउन और वाइट राइस ऐसे मिक्स है, और ये है आलू की सब्ज़ी जो कि देखो आप एकदम ही इंडियन स्टाइल की दिख रही है। तो अभी टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। कल रात को भी मैंने टेस्ट किया था, एकदम सेम था यार, एकदम सेम मसालों की मुझे फ्लेवर आ रही थी। और ये पता नहीं साथ में क्या देते हैं, अच्छा ये शायद ड्रिंक करने के लिए कुछ है। तो इस खाने के लिए मैंने कुछ पे किया है 300 रुपये, और चलो 300 रुपये में कुछ देसी फ्लेवर मिल गया यार, बहुत है। अगर आप लोग भी अंटालिया आओगे ना तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर ब्लैक मैन भी बहुत दिखते हैं, जैसे कि अभी देखो आप मैं चुपके से उनकी रिकॉर्डिंग बनाने के लिए इधर बैठी हूँ, चुपके से वो लोग ना मतलब एक ऐसे चद्दर बिछा के और उस पर वॉचेस की फ़र्स्ट कॉपी और भी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की फ़र्स्ट कॉपी ऐसे बिछा के बेचते रहते हैं। और मैंने नोटिस किया कि पुलिस आती है तो ये लोग रफू चक्कर हो जाते हैं एक सेकेंड में, ऐसी चीज़ें तो मैंने सुना है स्पेन और पेरिस वगैरह में बहुत होती हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि टर्की में भी होती हैं। और कलाकारों की तो फॉरेन में खैर कोई कमी नहीं होती है, गली गली में आपको एक डब्बा लेके कलाकार अपने कला का हुनर दिखाते हैं। तो आज मेरा कुछ जाने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा शाम को यार थोड़ा निकल के देखती हूँ, और लकीली उस टाइम पे बारिश बंद हो गई तो मैं थोड़ा घूम पाई, देख पाई इस खूबसूरत से अंटालिया को। और कल का मेरा क्या प्लान है, मैं यहाँ से चेकआउट कर रही हूँ या नहीं कर रही, या फिर मैं दूसरे होटल में जाऊँ,
कुछ भी फ़िलहाल मुझे पता नहीं है। तो अभी मेरा होटल ये आ चुका है, ये है मेरा होटल लेजेंड टुलिप। तो मैं अभी अंदर जाके सोचूंगी और तब तक आप लोग करोगे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।